धोनी के चतुर कप्तानी से धारा हुआ मैच जीता। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2022 के 55वें मुकाबले में गुरु और चेला आमने सामने थे। एक तरफ जहाँ गुरु धोनी की टीम चेन्नई थी, तो दूसरी तरफ धोनी को अपना गुरु मानने वाले ऋषभ पंत की दिल्ली थी। ऐसे में गुरु और चेले की इस भिड़ंत को हर कोई देखना चाहता था। दोस्तों, गुरु और चेले की जंग में टॉस की बाजी तो चेले ऋषभ पंत ने जीती, लेकिन मैच की बाजी गुरु धोनी ने जीती। दोस्तों, आपको इस रोमांचक मैच की हाईलाइट तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या धोनी शुरुआत से ही चेन्नई के कप्तान होते तो चेन्नई अभी टॉप फोर में होती? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, एमएस धोनी की कप्तानी में वापसी के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स भी आईपीएल 2022 में वापसी करती दिख रही है। टीम के लिए प्लेऑफ की राह भले ही लगभग नामुमकिन हो, लेकिन सीएसके अब दूसरी टीमों का खेल खराब करने में जुट गई है और इसकी ताजा शिकार बनी है दिल्ली कैपिटल्स, जहां पर कप्तान धोनी के चतुर कप्तानी ने दिल्ली का दम निकाल दिया। दोस्तों, इस मैच की शुरुआत पंत के टॉस जीतने के साथ हुई, जहां पर पंत ने टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को उसके दोनों ओपनर गायकवाड़ और कानवे ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने 11 ओवर में ही 110 रनों की शतकीय साझेदारी कर डाली। इस दौरान जहां गायकवाड़ ने 33 गेंदों में 45 रन बनाए, तो कानवे ने भी दमदार पारी खेलते हुए 49 गेंदों में 87 रन जड़ दिए। वहीं अंत में कप्तान धोनी ने भी शानदार फिनिश करते हुए सिर्फ 8 गेंदों में 21 रन जड़कर टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, चेन्नई ने टॉस हारकर 20 ओवर में 208 रनों का पहाड़ खड़ा कर दी। वहीं अब दिल्ली को दिल के साथ मैच भी जीतना था, तो 209 रन बनाने थे, जो T20 में कभी भी आसान नहीं होता। हालांकि ये स्कोर मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। ऐसे में दोस्तों, पृथ्वी शाह के बीमार होने के कारण दिल्ली को ओपनिंग में लगातार दूसरे मैच में ओपनिंग जोड़ी में बदलाव करना पड़ा, लेकिन ये काम नहीं कर पाया। सीजन में पहला मैच खेल रहे श्रीकर भरत दूसरे ओवर में ही आउट हो गए। जबरदस्त फॉर्म में चल रहे डेविड वार्नर ने रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश में 19 रनों पर अपना विकेट गंवा दिया। इसी बीच कप्तान ऋषभ पंत ने क्रीज में आते ही चौकों की बारिश कर दी। वह तेजी से रन बटोर रहे थे और मिचेल मार्स से उनको अच्छा साथ मिल रहा था। दोस्तों, पंत और मिचेल मार्स की जोड़ी ने चेन्नई के गेंदबाजों पर जमकर काउंटर अटैक किया, जिससे धोनी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाज बड़े आसानी से दिल्ली के लिए रन बना रहे थे और जीत की पटरी पर टीम को सरपट दौड़ा रहे थे। ऐसे में कप्तान धोनी ने अपनी चतुर चाल चली और अपने तुरुफ के इक्का मोइन अली को अटैक पर ले आए और फिर यहीं से मैच का रुख पलट गया। दोस्तों, मोइन अली ने अपने पहले ही ओवर में खतरनाक लग रहे मिचेल मार्स को कैच आउट कराया और इस साझेदारी को तोड़ा, जिसके बाद धोनी ने दूसरा ओवर भी मोइन अली को दिया, तो इस ओवर में भी मोइन अली ने कप्तान पंत और रूपल पटेल को आउट कर मैच को पूरी तरह से चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। दोस्तों, मोइन अली ने सबसे बड़ा विकेट पंत का लिया, जो 11 गेंदों में 21 रन बनाकर चेन्नई के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए थे। दोस्तों, कप्तान के जाने के बाद दिल्ली की टीम 11वें ओवर में ही इस मैच को लगभग हार गई। 72 रन पर 3 विकेट खोने वाली दिल्ली 99 रनों पर 8 विकेट गंवा बैठी और अब तो 20 ओवर भी खेलने के लाले पड़ गए। धोनी के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और 91 रनों की बड़ी जीत दिल्ली के खिलाफ हासिल की। दोस्तों, धोनी के कप्तानी में चेन्नई की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही थी और इसमें कोई शक नहीं कि अगर धोनी शुरुआत से ही टीम के कप्तान रहते तो चेन्नई अभी टॉप फोर में रहती।